हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज का हमारा टॉपिक है SMTP, डेट मीन्स सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब हम आपको बताते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता क्या है। ये एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है जो कि मेल के सोर्स टू डेस्टिनेशन को डिलीवर करने में यूज़ किया जाता है। जहाँ पे हमारा टॉप में होता है TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि प्रोवाइड करता है रिलीवेबल डिलीवरी ऑफ डाटा को। जहाँ पे SMTP डज नॉट नॉर्मली यूज़ इंटरमीडिएट मेल सर्वर्स फॉर सेंडिंग मेल। अब देखिए, SMTP का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि ये नॉन ASCII फाइल्स को नहीं सेंड करता, जैसे कि हमारा वीडियोस हो गया, ठीक है, हमारा ग्राफिक्स हो गए, हमारे पिक्चर्स हो गए, ये SMTP नहीं भेजता है उसको पॉप। इसमें क्या है कि SMTP में क्या होता है, जो यूज़र्स होते हैं वो परसिस्टेंट कनेक्शंस को बनाते हैं। ईमेल एड्रेस, जैसे कि लुकअप ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। प्रोटोकॉल एक्सचेंज भी एक एग्जांपल है SMTP का। SMTP क्या होता है, SMTP एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है मेल को ट्रांसफ़र करने का, जहाँ पे हम अपनी जो टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं उनको सेंड करते हैं SMTP प्रोटोकॉल की मदद से। जहाँ जैसे कि हम एक ईमेल सेंड कर रहे हैं जहाँ पे हमने सिर्फ टेक्स्ट मैसेज ही लिख है हमने भेजा है, उसमें हमने ना ग्राफिक्स को अटैच किया ना ही हमने उसमें वीडियो को अटैच किया, तो जब हम उस मैसेज को भेजेंगे नेटवर्क के थ्रू, तो जो प्रोटोकॉल सेंड करने के लिए यूज़ किया जाएगा फ्रॉम सर्वर टू सर्वर, तो वो होगा SMTP प्रोटोकॉल, डेट मीन सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको जीमेल सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। ठीक है, SMTP बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कैसे, मैसेज को डिलीवरी करने के लिए। मान लीजिए कोई ईमेल क्लाइंट है कोई मैसेज को, टेक्स्ट मैसेज को सेंड किया, वो किसके द्वारा गया, SMTP में, एक पैकेट के द्वारा दूसरे पैकेट में, यानी कि एक सर्वर में दूसरे सर्वर, दूसरे सर्वर से तीसरे सर्वर में, फिर उसके बाद जा करके अपने डेस्टिनेशन यानी कि रिसीवर के सर्वर पे चला गया और रिसीवर मैसेज डिलीवर हो गया। यहाँ पे क्या है, जैसे कि एक बॉब यूज़र है, एजेंट है, वो क्या है, उसने एक मैसेज को SMTP के द्वारा मेल किया। अब वो क्या हो गया, जीमेल सर्वर के द्वारा सेंड हुआ, फिर उसका सेकंड एलिस सर्वर, यानी कि जो सेकंड जो रिसीवर है, जो रिसीवर कौन है, एलिस, और सेंडर कौन है, बॉब। तो रिसीवर सर्वर के पास वो क्या किया, उसके SMTP सर्वर के द्वारा एलिस सर्वर के पास वो मैसेज रिसीव हुआ, और एलिस सर्वर के से एलिस यूज़र डिवाइस के पास वो पहुंच गया और उससे उसको वो मेल रिसीव हो गई। तो SMTP बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। ये SMTP बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है TCP कनेक्शन पर, जहाँ पे यूज़र एजेंट सेंट मेल भेजता है। MTMT का मतलब होता है मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट, जो कि क्लाइंट भेजता है, ठीक है। जो सर्वर होता है मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट को यूज़र के मेल बॉक्स के अंदर भेजता है, और यूज़र एजेंट उसको जो है फिर उसके बाद उसमें प्रोसेस करना स्टार्ट किया जाता है। तो यूज़ अ टर्मिनल सेंडर और रिसीवर यूज़ अ टर्मिनल, तो ये किसके द्वारा पॉसिबल हो पाया, SMTP। पहले के समय में जब हमारा ग्राफिक्स और वीडियोस हम ईमेल के द्वारा नहीं कम भेज पाते थे, तो वहाँ पे सिर्फ SMTP प्रोटोकॉल का ही यूज़ किया जाता था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे लगता है SMTP के बारे में आपको ठीक ठाक अच्छी खासी नॉलेज हो गई होगी कि मेन पर्पस क्या है SMTP का। SMTP एक नॉन SMTP जो है ASCII कमांड्स को यूज़ करता है, उनके ASCII जितने भी हमारे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितने भी ASCII की कोडिंग के जितने भी मैसेजेस होते हैं उसको डिलीवर करने में बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत ही अच्छा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, और इसलिए SMTP जनरली पर्पस ऑफिशियल मेल्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे लगता है आज वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।